हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके मनपसंद स्पेशल कबाब लाई हूँ। चलिए बनाते हैं। इसके लिए देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया है सोयाबीन, जिसे मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा भिगो कर रख दिया था। और ये अभी देखिए, फिर इससे क्या करेंगे, आधा इसे क्रश करना है। इसे देखिए मिक्सी में मैंने कर लिया है। फिर इसमें लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर मिलाकर और अदरक थोड़ा सा इसे मिलाकर फिर से पेस्ट बनाना है। ये देखिए बन चुका है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। यहाँ पर इसके साथ हमें और भी सारी चीज मिलाने हैं। और ये देखिए ब्रेड क्रम्ब, जो मैं सैंडविच बनाने के बाद साइड के निकाल के रखती हूँ, उससे क्रश कर लिया है। और इसे अब इसमें मिक्स कर रही हूँ। आपका कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून, प्याज 2 मीडियम साइज के, और ये उबले हुए आलू है जो मीडियम साइज के, यहाँ पर मैंने 2 लिए हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, पर क्वांटिटी ऐसे रखेंगे तो टेस्ट में कोई फर्क नहीं होगा। इतना बढ़िया टेस्ट है, आप एक बार बना कर तो देखो। चलिए फिर इसमें मिलाते हैं नमक। और क्या मिलाना है फ्रेंड्स, चलिए अब इसमें स्पोक की सहायता से इसे मिक्स कर रही हूँ। आप हाथों की सहायता से भी मिक्स कर सकते हैं। चलिए बन चुका है। अब इसमें ये देखिए ढेर सारे चीज इसमें दे दीजिए। अब इसके कबाब बनाइए, मिक्स करने के बाद कबाब बनाइए और सनफ्लावर ऑयल में इसको तल लीजिए। और इधर मुझे किस तरह से ये देखिए बनाना है आपको कॉर्नफ्लावर का बैटर। फिर इसमें डिप करने के बाद आप ब्रेड क्रम्ब में डिप कीजिए, उसके बाद आप फ्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसे जरूर बनाइए घर में एक बार, और बनाकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि किससे लगा आपको वाव। Let me get through it to Howard.